क्वालिटी पे ही भरोसा करता है, क्योंकि अपने में अपने को क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तो क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए। तो जैसे आप अफीम की फसल में क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरी फसलों में भी वही का उपयोग करेंगे। बायर कंपनी 125 साल पुरानी कंपनी है जो कि भारत में काम कर रही है, 125 साल से उसको ऊपर हो गया। तो अभी की स्थिति अगर हम की बात करें तो आज की तारीख में अभी जो आने वाली अदानी हमारी फसल है वो आपके यहाँ सोयाबीन है, मेजर सोयाबीन ही वो कैसी सोयाबीन मक्का तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होगा एक रेंज में, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा एक रेंज, उसके बाद मक्का, उसके बाद आपका उड़द मक्का उड़द, अच्छा उड़द और मक्का बराबर है। तो कैसा मतलब अगर सपोज मान लो आपके यहाँ 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा में से कितने बीघा में अपन सोयाबीन एक एवरेज 8 बीघा का सोयाबीन, 1 बीघा का मक्का, 1 बीघा का उड़द, ऐसा ही है 80% तो सोयाबीन है। तो अगर सोयाबीन की बात करें तो पहले क्या होता है, अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन की फसल आप जब बुआई करते हो आप खेत तैयार कर लेते हैं, बीज का चुनाव कर लेते हैं, बीज का चुनाव करने के साथ साथ बीज का सुधार कर लेते हैं, जो हमारा गन्ना बीज होता है उसको जो भी ये अपना सुधार करके खेती में बीज करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो होता है बीज उपचार। बीज उपचार कितने किसान हैं जो बीज उपचार करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग करते हैं, बाकी किसान उपचार नहीं करते क्या बीज उपचार, नहीं पाउडर मलिकान। अच्छा एक काम करो जो नहीं करते वो हाल उठा, उससे पता चल जाएगा। नहीं ये कहिए सर ये लिक्विड दवा लगाए ना, मैं वो पाउडर लगा नहीं सकता, आज ट्रैक्टर में आप भी नहीं हो रहे के धानी दवा पड़ जाए तो पाको भी ओरिजिनल ओरिजिनल ठीक है। तो जो 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 मैंने पूछा था कि अगर जो नहीं उपचार करते वो अगर खड़े कर दो केवल एक ही है, बाकी इसका मतलब है कि सारे लोग बीज उपचार करते हैं, वो केवल बताने में शर्मा रहे होंगे हो सकता है। तो बीज उपचार सबसे पहले तो हम बीज उपचार क्यों करना चाहिए हम उसके बारे में जानकारी देंगे कि बीज उपचार करना क्यों जरूरी है। बीज उपचार क्यों करते हैं अपन, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, दो चीज़ों से हम बीज उपचार करते हैं। ये तो हो गया कि हम दो चीज़ों से बीज उपचार करते हैं, करते क्यों हैं, हम करते इसलिए बीज उपचार कि जमीन में जो मृदा जनित बीमारियाँ, मिट्टी में जो पनपने वाली बीमारियाँ हैं वो हमारे बीज को वो हमारे जड़ को खराब न करें, ठीक है। मिट्टी में लगने वाले जो कीड़े हैं, कीड़े में आपका कौन कौन से कीड़े हैं, गोबर कीड़ा हो गया, आपका सफ़ेद सफ़ेद जो वायरवर्म आता होगा आपने देखा होगा वो हो गया, तीसरा आपका जो दीमक आती है उसको क्या बोलते हैं उगली वो हो गया, ये मेजर कीड़े हैं जो जमीन में आपका नुकसान करते हैं। अभी नुकसान किसको करते हैं, बीज को और जड़ को। जड़ क्या होता है मालूम है, एक पौधे का जड़ क्या होता है, जैसे हमारा घर, आप घर बनाते समय क्या सावधानियां रखते हैं, क्या बोलते हैं घर समान घर बनाते समय क्या मजबूत होना चाहिए, घर में नींव मजबूत होना चाहिए। क्यों बोलते हैं नींव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो घर लंबे समय तक टिका रहेगा। वैसे ही पौधे की जो जड़ है ना वही उसकी नींव है, अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो पौधा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो हम जो है बीज उपचार करते हैं जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे बीज को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे बीज को मृदा जनित बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए। अगर मृदा जनित बीमारियों से बच गया हमारे बीज और जड़